नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24x7 और मैं तरुण। इस समय हम यमुना के तट पर हैं। हमारी यात्रा वहां से शुरू हुई थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहां बैठकर जाल की बुनाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यमुना के जो या कोई भी नदी होता है तो उसका जो सबसे घनिष्ठ या परिवार का कोई हिस्सा होता है तो यही लोग होते हैं, क्योंकि यही एक तरह से देखभाल भी करते हैं और यही लोग हैं जो इसके साथ वर्षों से या मैं कहूं तो सदियों से जुड़े होते हैं। नदी के किनारे ये जो मछुआरा वर्ग होता है या जो मछली मारते हैं, इनसे ज़्यादा कोई भी प्रेमी, चाहे कोई सरकार कितना दावा कर ले या कोई भी व्यक्ति कितना भी दावा कर ले कि वो प्रेम करते हैं नदियों से, तो विश्वास नहीं होगा। ये ध्यान भी देते हैं और साथ ही इसके साथ ऐतिहासिक भी जुड़े रहते हैं। बात करते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं इस समय, जब 2020 है और इस समय इनकी क्या समस्याएं, दिल्ली का चुनाव है, इनके क्या मुद्दे हैं, इनकी क्या स्थितियां, इतने सालों हो गए हैं, क्या कुछ बदली हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रतन कुमार कश्यप। क्या कर, मतलब आप यही मछली वाला ही पूरा? नहीं, हमारा गाड़ियों का रंग का काम। अच्छा, तो ये मछली यहाँ अपने शौक में आते हैं कभी कभार। अच्छा, कभी कभार आते हैं। क्या उम्र पड़ेगी आपकी? हमारे है 42 साल। 42 साल। ये क्या अभी आप जाल बुन कर रहे हैं? ये जाल इनके साथ मैं हेल्प करवा रहे हैं हम। अच्छा, तो ये आप खुद ही करते हैं? हाँ जी। हाँ, मतलब अमून लोग देखते हैं कि हम लोग खरीदते भी हैं, तो आप लोग खरीदते नहीं हैं इसको? नहीं नहीं, हम खरीदते नहीं हैं। मतलब ये बना बनाया आता है, इसको यहाँ डोरी वोरी गिर के अपने हाथ से तैयार करते हैं। अच्छा, तैयार करते हैं। अब ये बताइए कि इतने साल में मतलब क्या स्थितियाँ बदली आप लोगों की, कुछ अगर जो आपका समुदाय है उसकी किस स्थिति? जनाब ऐसी बदली है, एक तो ये जो नाला है गंदा नाला नेहरू बिहार से जो निकल के आ रहा है जमुना में, इसमें कभी हैदरपुर का पानी गिरा करता था साफ, और आज चल रहा है एकदम काला पानी। वो पानी यमुना में गिरने से मछलियों का बिल्कुल नाश हो जाता है, सब मछलियाँ खत्म हो गई हैं। मछलियाँ अब नहीं निकलती पहले जितनी? नहीं जी, बिल्कुल खत्म हो गई हैं इस नाले के कारण। हाँ जी। इधर ना कहाँ नाला है? एक नाला तो ये है नेहरू बिहार से होता हुआ ये आ रहा है, एक नाला ये गिरा हुआ है सोनिया बिहार का, सारा पानी आ रहा है वो सामने, उसके वजह से वो पानी ये घूम के आता है, देखो बर्फ की तरह ये झाग झाग दिख रहा है, बैक करता है ये सारा, बैक करके जैसे आ रहा है। हाँ। यहाँ की मछलियाँ सारी मर चुकी हैं। मर चुकी हैं? जो गंदे पानी में रहने वाली हैं वही मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं। कौन सी मछलियाँ? जैसे मांगूर है, मेंगू, सिंगी है। हाँ। कबई है। हाँ। गंदे पानी वाली मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो ये कितने साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये करीब हो गए 20 साल। 20 साल से स्थिति? हाँ जी। सरकारें तो कहती है बहुत गंगा को लेकर, बहुत काम, यमुना को लेकर बहुत काम किया जा रहा है और स्थिति में कुछ बदलाव, आप लोग इतना करीब से देखते हैं कुछ बदलाव? सर कुछ बदलाव नहीं आया। शीला दीक्षित ने जमुना सफाई अभियान चलाया था, कूड़ा इकट्ठा करके थोड़ा बहुत इकट्ठा कर देते थे, दिल्ली पुलिस भी लगी थी उसके बाद में, उस समय करते थे जिस समय जमुना में पानी आता था, कूड़ा निकाल के बाहर रखा थोड़ा बहुत, और इधर से बाढ़ आई, कूड़ा वापस पानी जमुना में चला गया, तो सफाई कहाँ से हो गई? सफाई नहीं हो रही है। हाँ, तो ये लोग अभी हमें बता रहे थे पहले गेट काफी बंद रहा करते थे, अब आजकल गेट भी खुल गए हैं। मतलब जनाब ये चमड़े मिल का गंदा पानी आया हुआ है, इस वजह से गेट खुले हैं। ये पानी निकलेगा नीचे साफ हो जाएगा, फिर गेट बंद हो जाएंगे। अच्छा, पानी परमानेंट नहीं चलता है, ये पानी रोक भी दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो ये मतलब फिर यमुना में पानी कैसे, कौन सा जाता है अगर ये रोक दिया गया? जो एंट्री तो यही है यमुना जी की जी। अगर इसको रोक दिया गया तो फिर जो दिल्ली के वन में, हाँ मैं आपको सारी बात बताऊंगा। हाँ। ये पानी पीछे से रोक दिया जाता है, जब इनका पीछे से वाटर लेवल टूटता है तो थोड़ा पानी मंगा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये निजी पानी है ना, परमानेंट नहीं चलता है। अच्छा, जब गंदा पानी होता है जब चलता है, इन्हें उतना ही पानी मंगाते हैं जितनी इस पानी की इन्हें जरूरत पड़ती है, गेट हमेशा बंद हो जाते हैं। अब ये गंदा पानी, अमोनिया की मात्रा ज्यादा है इसलिए ये पानी चल रहा है। अच्छा, ये गंदा पूरा पानी है? हाँ जी, पूरा पानी। तो आप लोगों को काफी दिक्कत होती है जब मछली मारने, नहाने चले जाओ शरीर चटक जाता है, शरीर में खुश्की आ जाती है, नहाने लायक भी पानी नहीं है जी। नहाने लायक भी पानी नहीं है तो फिर आप लोगों को काफी दिक्कत होती थी? काफी दिक्कत होती। तो सरकारें आप लोगों को लेकर कोई व्यवस्था करती है कि जैसे जो लोग मछली मारते हैं कोई पूछता है कि बीमारी हो या कुछ और लोग आते? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी मतलब आप लोगों को कोई ध्यान नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है। अब जब जैसे चुनाव आ रहा है तो इस समय तो लोग पूछते होंगे ना कि आपके आपके समुदाय के लोग या आप जो लोग मछली पकड़ते हैं उनकी स्थिति? अभी तक तो भाई इस चीज में किसी ने गौर नहीं करा है, किसी ने कोई पूछता नहीं, नहीं। पार्टी वाले आते हैं बस, तो उनको बताते हैं हम जी यमुना में ऐसी बात है, यह बात कहते हैं, हाँ जी हम ये लिख के देंगे, आज तक किसी ने कोई खबर नहीं ली है। कोई खबर नहीं लेते हैं? केजरीवाल के आदमी आते हैं वो भी कहते हैं हम जी आगे लिख के देंगे, अभी तक किसी ने लिख के नहीं दिया।
बाकी केजरीवाल के टाइम में जमुना बीच में अच्छी साफ चली है, लेकिन इस सीजन वही हाल हो गया जो पहले था कांग्रेस के टाइम में। अच्छा, कांग्रेस टाइम में जो था वही वही हाल बीच में कुछ समय तक अच्छा था। हाँ जी, अब फिर वैसा ही हो गया जैसे कांग्रेस के टाइम में था। केजरीवाल जी ने जो पानी मंगाया था बढ़िया चला, दो गेट चलते रहे प्रबंधन। अच्छा, लेकिन इस साल जब पानी का उतार हुआ ना, जब से ये गंदा पानी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब ये गंगा जी यमुना जी जब का जलस्तर बढ़ जाता होगा या ऊपर चला जाता होगा, उस समय आप लोग मतलब जो लोग होते हैं मछली पकड़ते हैं वो लोग क्या करते हैं उस समय उनकी? उस समय कोई बेलदारी करने चला जाता है, कोई इधर उधर छोटे मोटे अपना काम कर लेता है। जब पानी का लेवल गिरता है फिर अपना आ गया अपना मछली का काम करता है। मतलब तब तो स्थिति मतलब फिर वही मजदूरी करना तो उस समय तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती होगी जनाब। ऐसा हो जाता है, एक टाइम का खाना ही नहीं मिलता है शाम को, ऐसा हिसाब किताब हो जाता है। तो बच्चे उच्चे किस तरह से आप लोग पढ़ाते हैं? परिवार यहीं रहता है कि? परिवार तो यहीं है, मेरी खैर शादी नहीं हुई है। अच्छा, आपकी शादी नहीं? नहीं, परिवार यहीं है मेरा। और जो लोग माँ है भाई बहन वगैरह सभी? तो ऐसी काफ़ी दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत तो होती है। आपके मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? मुद्दे तो ये है भाई, हमने तो केजरीवाल को वोट देना है, केजरीवाल को जिताना है। हम तो चाहते हैं ये सरकार दोनों बनी रहे। पीएम का टाइम आएगा पीएम को वोट देंगे, मुख्यमंत्री का टाइम आएगा मुख्यमंत्री को वोट देंगे। पर हमें ये दो आदमी बहुत पसंद है। क्यों पसंद है दोनों लोग? इन्होंने बहुत अच्छे काम करे। केजरीवाल जी ने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी और अच्छी सुविधा कर दी है। जहाँ हमारे यहाँ पानी नहीं आता था वहाँ पानी की सुविधा कराई है। मोदी जी ने अच्छे काम करे। मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने यह ऐसा कर दिया, जो हमारा पायलट वहाँ पे फंस गया था वहाँ से उसे निकलवा लिया। अगर कांग्रेस होती वो मर जाता, मरवा देती, कांग्रेस नहीं ला सकती थी। लेकिन हम इसी चीज से खुश हैं, ये मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा है जो पायलट बचा लिया। हाँ जी, और कोई काम उनका? उनके हर काम बढ़िया हो रहे हैं। एक ही तो आपने बता दिया आप, मतलब अच्छा नहीं याद आ रहा है। सुनो, जैसे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कितने तक पढ़ाई किए हैं? जनाब चौथी क्लास में ही छोड़ दिया था। कहाँ मतलब छोड़ दिया? आगे कमाने वाला था नहीं कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो छोटी मोटा अपना काम करके अपना घर चला लेते थे। कितने साल से आप मछली पकड़ रहे हैं ये? जनाब ऐसा हो गया करीब 20-25 साल हो गए। 20-25 साल? अच्छा ठीक है, तो आप जाल बनाइए और मछली पकड़िए। तो ये बता रहे थे कि इनके मुद्दे क्या हैं, किस तरह से स्थितियाँ बदली, चुनाव दर चुनाव बीतते चले जाते हैं लेकिन ये समुदाय के विषय में ना कोई बात करता है। बात करता है तो उनके वोट का, और जब वोट का कोटा पूरा हो जाता है तो चुनाव भी बीत जाते हैं इस सीज़न की तरह, जैसे गंगा का यमुना का पानी नीचे उतर जाता है, इनके मुद्दे भी नीचे उतर जाते हैं और इसी यमुना की लहरों के साथ फिर कहीं दूर बह जाते हैं और बह के फिर मिल जाते हैं किन्हीं और मुद्दों के साथ। तो मुद्दे बदल रहे हैं लेकिन इनकी स्थितियाँ जस की तस बदल रही हैं। साल दर साल सिर्फ साल बदले हैं, कहानी वही है, लोग वही हैं और बस पीढ़ी बदल जा रही है। सोचिए, एक दिल्ली यह भी है, इसलिए हम इस यमुना की यात्रा कर रहे हैं। बने रहिए इस चुनावी यात्रा में हमारे साथ। नमस्कार।